ये पुल भाई साहब बम धमाकों से उड़ाए गए हैं। Who destroyed these pools? तालिबान। ऐसे रिवर क्रॉस करते हैं ये लोग। कांदार से ही है जो तालिबान पैदा हुआ है मालूम। उसका फर्स्ट के अंदर था ना वो यहीं पे था। और ये देखो ये जा रही है तालिबान की गाड़ी। तो उन्होंने इन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, किसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा अमेरिका ने। आप लोगों को ये देखो ये कब्रिस्तान, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होगा एक एक कब्र के बीच में। और ये कब्रिस्तान देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है यहाँ पे यार। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। अभी हम लोग हैं कांदार। कांदार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है अफगानिस्तान का। हम लोग, आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा, हम लोगों ने गजनी विजिट किया था। गजनी जो सिटी है यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी है। बहुत सारे यहाँ पे तालिबान से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से जुड़े हैं। यहीं तालिबान का जो है जन्म हुआ था ये कहा जाता है। और ये कांदार सिटी कुछ ऐसी अभी आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे पोमोग्रेनेट जूस से, अनार के जूस से। कांदार का अनार है जो बहुत फेमस है भाई, बहुत ज़बरदस्त फेमस है। और यहाँ का जूस है ना इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। आप लोग कभी आओ ना अफगानिस्तान आओ, कांदार ज़रूर विजिट करना और यहाँ का जूस, अनार का जूस ज़रूर पीना। हेलो भाई जान, कैसे हो? हाउ आर यू? गुड, फाइन। और आज हमें कांदार घुमाने वाले हैं मिस्टर सईद शाह। हेलो सईद शाह, हाउ आर यू? Wow, you look like a hero. No. Bollywood hero. No. Yeah, you should work in Bollywood. Come to India. Yeah, of course. Seriously? You look like hero. Villain. Huh? Villain. Not villain. Very smart Londa. You have a good time here. Yeah, sure. I will do my best to a good trip and a good adventure. Good trip, good adventure. So you are Bollywood? Yeah, I give my shoe sandal to this friend, this guy that father. Okay. Maybe I'm looking better. You are looking better? You already look like hero, bro. जूस है ना भाई, क्या जबरदस्त, एकदम प्योर ओरिजिनल नेचुरल जूस है। ये भाई बोल रहा है यार आप पैसे मत दो, ऐसे फ्री में पी लो। फ्री में कैसे पी ले यार, कब तक लेंगे? हर कोई यहाँ पे यही बोल रहा है कि फ्री में नहीं भाई, पैसे नहीं लेंगे इंडियन से। इंडियन का नाम लेते भाई, जबरदस्त वाला माहौल क्रेज है इंडियंस को लेकर। यहाँ पे कांदार में जो बिरयानी है ना वो बहुत फेमस बिरयानी है कांदार की। तो सबसे पहले यहाँ पे कांदार की बिरयानी खाने आए हैं हम लोग। और देखते हैं ये साहब ब्रदर है जो कांदार की बिरयानी खिलाने लाए हम लोगों को। हेलो, सलाम। तो पहली बार अफगानिस्तान में इतना टेस्टी खाना खाने को मिला है हम लोगों को। बहुत टेस्टी खाना, बहुत लजीज बिरयानी है। और यहाँ की स्टाइल बैठ के खाने की स्टाइल, अपने वो टेबल वगैरह होती है वैसे नहीं होता यहाँ पे। नॉर्मली नीचे बैठ के और फिर खाया जाता है। ये देखो यहाँ पे सब हम लोग नीचे बैठे हैं, यहाँ पे दरी पट्टी बिछा के रखते हैं और इस पे ऐसे जहाँ भी आप जिस भी घर में जाओगे आपको ऐसे ही बैठ के खाना खिलाएंगे ये लोग। सो अभी हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ पे बिरयानी काफ़ी टेस्टी थी। और एक बिरयानी की प्राइस 150 अफगानी था, जो 150 इंडियन 140 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डोलेबांध। डोलेबांध है जो वहाँ से, अब जो कांदार है ना, जो कांदार सिटी वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और ये बीच के नज़ारे मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा कि बीच में वहाँ की जनता की सुबह सुबह की मॉर्निंग की हलचल क्या होती है अफगानिस्तान में या कांदार डिस्ट्रिक्ट में। कांदार एक प्रोविंस है यहाँ पे। और ये देखो आपको ऐसे ही अनार, आप लोगों ने सुना होगा कांदार के जो अनार है ना वो बहुत फेमस है। आप लोगों को एक ऐसा ही अनार का गार्डन भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे दो दो तीन तीन किलो की अनार भी देखने को मिलेंगी आप लोगों को। यहाँ पे बच्चियाँ देखो ऐसे रोड क्रॉस करती है बच्चियाँ, और ये डरी हुई कितनी है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इनमें डर देखो यार बेचारी कितनी डरी हुई है। यहाँ पे डर के भग गई हो, देखो दोनों की दोनों बच्चियाँ। और ये देखो ये यहाँ पे एक ऐसे बांध के रखते हैं
और एक वो बीच में वो है जो डिब्बे डिब्बे वगैरह उसको तार में फंसा के रखते हैं, डिब्बे चारों तरफ तार फंसा के रखते हैं और उससे फिर ये रिवर क्रॉस करते हैं। Can I go on that? Dekh wala, Alange, 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 Alange,
Yeah, you can sit, you can sit. Oh my god. यह इन लोगों का ये नदी पार करने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा भी। यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ पकड़ के ऐसे जाते रहते हैं, उधर से आओ इस वाली बच्ची को पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే చూస్తున్నారు కదా, అటువైపు నుండి ఇటువైపు ఒక అవి మేనే కన్నీ కోసెస్ కితి లేకిన మేరే ఇట్నా నహీ హువా। దగ్గర దగ్గరగా బ్రిడ్జ్ అయితే ఉంది కాలువ మీద, కానీ 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే। ऐसे रिवर क्रॉस करते हैं ये लोग, इनका अलग ही तरीका है रिवर क्रॉस करने का। ये देखो वो वापस आएगा अब, कम बैक। टेक दिस लाइक दिस वीडियो, ओके शा कम हियर। उम्मा ट्राई कर रहा है जाने की, अभी तो गिर जाता पानी में। ये जो आपको बच्चे दिखे अभी छोटे छोटे, ये सारे बच्चे तालिब तालिब का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तालिब, लाइक स्टूडेंट, तालिब का इस्लामिक स्टूडेंट। ओके, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, एजुकेशन ऑफ इस्लामिक स्टूडेंट। तो ये आगे चल के दे विल बिकम तालिबानी, राइट राइट। ये बच्चे आगे चल के है ना जो तालिबान आर्मी ज्वाइन करेंगे, सारे के सारे जो अभी आपको रोड पे बच्चे दिख रहे हैं ये सारे के सारे। और यहाँ पे आपको कांदार में ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहाँ पे बम ब्लास्ट हुए हैं। ये जो जगह दिख रही है आपको रोड पे, यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था बहुत समय पहले। कांदार है जो बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक है जो ऐसे ही खून खराबे बमबारी से जूझता रहा है। और ये देखो हम बिल्कुल जम जमा के और एक डैम को घूमने आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे है तो वाटरफॉल, लेकिन वाटरफॉल किधर है अभी हमें वाटरफॉल मिल नहीं रहा, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। यहाँ पे कोई है भी नहीं पूछने के लिए, हम किसी लोकल बंदे को पूछे। वो देखो ऊपर तालिबान का झंडा लहरा रहा है, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन हर पहाड़ी के हर छोटी छोटी पहाड़ी पर भी तालिबान ने अपने झंडे लहरा रखे हैं भाई, झंडे गाड़ रखे हैं हर छोटी छोटी पहाड़ी पर। और ये है जो डैम, वो उधर डैम रहा, और डैम के दूसरी साइड का हिस्सा ये देखो भाई क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। वो देखो एक वो तालिबान का झंडा वो वहाँ पे लहरा रहा है। और यहाँ पे आइए आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे बारिश नहीं है, तो बारिश की वजह से यहाँ पे अभी पानी तो बहुत कम है। लेकिन आप लोगों को ये दिख रहा है, ये पुल दिख रहे हैं, ये पुल भाई साहब बम धमाकों से उड़ाए गए हैं। हु डिस्ट्रॉयड दीज पुल्स,
तालिबान ओके 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 यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पुल थे, मतलब जहाँ भी यहाँ पे नदी आया ना वहाँ पे छोटे छोटे पुल बनाए गए थे। इन पुल्स वगैरह को है ना जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट। कांदार है जो बहुत इन खून खराब है बॉम्ब ब्लास्टिंग से या गोलीबारी से झूझता आया है शुरू से। कांदार है जो तालिबान की कैपिटल हुआ करता है, यहीं से कांदार से ही है जो तालिबान पैदा हुआ है। मान लो उसका फर्स्ट केंद्र था ना वो यहीं पर था कांदार में ही। अब आप लोग इस डैम का साइज देख सकते हैं, ये डैम पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है यहाँ पे। ये देखो कैसे बैंड आ गया है पूरे डैम में। लेकिन प्रेजेंट जो तालिबान है ना उसमें मुझे सब चीज़ें अच्छी लगी एक चीज़ को छोड़कर। यहाँ पे महिलाओं पे वुमेंस पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना पूछो मत। बाहर महिला अकेली नहीं जा सकती, महिला 6 क्लास के बाद है जो गर्ल्स को एजुकेशन अलाउ नहीं है, और भी ना जाने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। महिलाओं के लिए एजुकेशन अलाउ नहीं कर रखा तो कैसे एक कंट्री है जो प्रोग्रेस करेगा बिना वुमेंस एजुकेशन के। और ये देखो ये जा रही है तालिबान की गाड़ी, इसमें तालिबान के बंदे बैठे हैं, सबके पास बंदूक वगैरह ले लेके भाई तान तान के बैठे रहते हैं। तालिबान की गाड़ी को आगे से शूट करने का हिम्मत तो नहीं होता, बस पीछे से ही शूट करते हैं हम तालिबान की गाड़ी को। ये बॉम्ब ब्लास्ट तब के हैं तब तालिबान सत्ता में नहीं था, तब तालिबान है जो तालिबान और उनकी पिछली गवर्नमेंट या अफगानिस्तान की पिछली गवर्नमेंट के बीच में युद्ध लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तब के ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, तब के रोड वगैरह पुल वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए हैं यहाँ पे। लेकिन फाइनली ये जो 20-21 सालों की लड़ाई चली ना तालिबान अमेरिका गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं थी, मान लो आप अमेरिका ही चला रहा था पहले अफगानिस्तान को, लेकिन उसमें फाइनली अफगानिस्तान ने जीत हासिल, तालिबान ने जीत हासिल कर ही ली। देखो 21 साल तक वेट किया उन लोगों ने यार, तालिबानियों ने। सो गाइस जब हम लोग है जो यहाँ पे जो अनार के गार्डन है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे अनार के बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अनार होते हैं यहाँ पे। हेलो कैसे हो? और ये देखो इधर से ऐसे रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, ऐसे मतलब छोटी छोटी दीवारें बनी हुई है, और उनके बीच से ये लोग ना इनको एक्सपोर्ट करने के लिए लेके जाते हैं बाहर यहाँ से, छोटी छोटी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती, छोटी छोटी गाड़ियों में एक्सपोर्ट करने के लिए लेके जाते हैं यहाँ से। ये बच्चे हैं जो तालिब होते हैं, तालिब ये सारे के सारे बच्चे, तालिब है, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और ये इनको ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, इसी एजुकेशन दी जाती है यहाँ पे तालिबान के द्वारा। ये आगे चल के जो तालिबान ज्वाइन करेंगे ये सारे के सारे बच्चे। और ये देखो अनार यहाँ पे भाई साहब, ये देखो कितने बड़े बड़े, अभी तो स्टार्टिंग है, यहाँ से गेट स्टार्ट होता है इस गार्डन का। आओ कभी अफगानिस्तान घूमने, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को अफगानिस्तान घूमने में। About like 5 kg about started from 120 up to 180। तो यहाँ पे जो अनार का प्राइस है वो कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है, 5 से 7 किलो का जो बॉक्स है ना वो 120 अफगान अफगानी से शुरू होता है, और 180 के बीच में, 120 से 180 अफगान अफगानी के बीच में होता है। और ये है यहाँ की बेस्ट क्वालिटी जो है ना अनार की, ये अभी यहाँ पे हम खड़े हैं ना ये बेस्ट क्वालिटी के अनार के पेड़ हैं, इन पेड़ों में बेस्ट क्वालिटी के अनार आते हैं, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कितने मस्त वाले अनार है यार। और अब हम लोगों ने यहाँ पे जो एक अच्छा खासा अनार था उसको देखे तोड़ के और टेस्ट करने देखे कैसा टेस्ट होता है यहाँ पे देखने दे। तो इतना पानी है इनके अंदर पूछो मत, और इतने टेस्टी है, इतने लजीज है, अमेजिंग। थैंक यू साहब ब्रदर। ओके मनाना, थैंक यू थैंक यू।
और गाइस जो एक कांदार में खूनी जंग हुई है तालिबान और यहाँ की गवर्नमेंट के बीच में 20 सालों तक जो खूनी जंग चली है उसका अंदाज़ा आप लोग इसी यहाँ पे जो सेमेट्री यहाँ पे जो कब्रिस्तान बने हैं ना इन्हीं से लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो वो गार्डन था यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कांदार से 40 किलोमीटर दूर है जो यहाँ पे वो अनार का गार्डन हम लोग घूम के आए थे वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे सेमेट्री मिलेगी आपको, कब्रिस्तान मिलेगा। यहाँ पे इतना खून खराबा हुआ है कि हर जगह इतनी सेमेट्रीज है यहाँ पे, मतलब पूरी रोड के अगल बगल में और भी दूर दूर भी बहुत सेमेट्रीज होगी लेकिन रोड के अगल बगल में इतने कब्रिस्तान बने हैं, इतने लोग मारे गए। हम लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई होगी। जो ये बमबारी चली है, खूनी जंग चली थी यहाँ की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, एक्चुअली मैं इस जंग को यहाँ की गवर्नमेंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ अमेरिका की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। अमेरिका की गवर्नमेंट है जो बस केवल अपना स्वार्थ चाहते, अमेरिकन देखो बहुत, मेरा मानना है कि अमेरिकन बहुत स्वार्थी होते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने इन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे बेघर हो रहे हैं, कितने लोग अनाथ हो रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा अमेरिका ने। आप लोगों को ये देखो ये कब्रिस्तान यहाँ पे हर जगह जगह बिल्कुल आपको कोई थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होगा एक एक कब्र के बीच में, इतने कब्रिस्तान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कब्रिस्तान देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है यहाँ पे, यार बहुत बुरा है, बहुत सैड, बहुत यहाँ पे आने के बाद काफी सैड फील होता है यार, बहुत बुरा है भाई। ये देखो ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है ये, और ऐसे कब्रिस्तान ये एक कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पे हजारों कब्रिस्तान बने हैं यहाँ पे इस कांदार में, हजारों कब्रिस्तान है ऐसे, कोई अकेला एक कब्रिस्तान नहीं है इस एरिया में। जो मैक्सिमम घर है ना वो खाली पड़े हैं, इसी से अंदाजा लगा सकता है कि कितने लोग गए होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर हैं ना आसपास इस रोड के जो खाली पड़े हैं, पूरे के पूरे बहुत जंजर बंजर हो रखे हैं सारे के सारे घर। और यहाँ पे मोहम्मद जो मुल्ला उमर था ना उसका घर यहाँ पे था, जो इसका चीफ था पहले तालिबान का, जो उसी ने इसकी स्थापना की थी मुल्ला उमर ने। ये सामने था उसका घर, अभी भी इसकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा रखी है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग खड़े होके वीडियो नहीं बना सकते हैं वरना फिर हम फिर से तालिबान के जेल में मिलेंगे, एक बार पहले हो ही आए तालिबान के साथ जेल में। और ये जो स्कूल है ये तालिबान वालों का है, ये मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूँ, ये स्कूल तालिबान का है। यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना उनको तालिब कहा जाता है, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और वो फिर आगे चल के तालिबान ज्वाइन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका सिक्योरिटी वगैरह, तालिबान स्कूल है, इसका सिक्योरिटी आप देखो यार, सिक्योरिटी कर रखा है इन लोगों ने।